नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि हम जब भी मंदिर जाएं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आपको सभी बातें समझ में आए और इन्हें आप अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों, ये सभी बातें हमें अपने आने वाली जनरेशन यानी कि हमें अपने बच्चों को भी जरूर बताना चाहिए, जिससे उन्हें इन सब बातों का पता चले और उसका लाभ वो ले पाए। तो चलिए, देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंदिर हम जब जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या चीजें जरूर करनी चाहिए। तो पहली चीज है कि जब भी आप मंदिर जाएं तो स्नान किए बिना आप मंदिर नहीं जा सकते हैं। यदि आपने स्नान नहीं किया है तो आप मंदिर के बाहर ही खड़े रहें। जो व्यक्ति स्नान किया है वही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता है। ये सबसे पहला नियम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप मंदिर जाएं तो सबसे पहले आपको मंदिर में घंटे की ध्वनि करनी चाहिए। जैसे कि मंदिर के बाहर ही जैसे हम प्रवेश करते हैं वैसे ही घंटे लगे होते हैं बड़े बड़े, तो वहां पर घंटे की ध्वनि से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है आपके साथ, सकारात्मक नकारात्मक शक्तियां चलती रहती हैं, तो वो वहां पर समाप्त होती हैं और वहां से आपकी ऑरा, आपका जो ऊर्जा होता है वह सकारात्मक हो जाता है। तो इस तरह से आप सर्वप्रथम घंटे की ध्वनि करते हुए आप मंदिर में प्रवेश करें और सर्वप्रथम जो वहां के प्रमुख देवता हैं, जैसे कि मंदिर के अंदर जब भी हम जाते हैं तो वहां पर एक देवी देवता जो भी होते हैं जिसके नाम से वह मंदिर होता है वह सामने प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं और आजू बाजू बहुत सारे देवी देवता होते हैं। तो आप सबसे पहले उन्हीं देवताओं को प्रणाम करें और फिर जो भी भोग प्रसाद आप लेकर गए हैं वहां पर आप उनके सामने अर्पित करें और पुजारी जी को प्रणाम करना ना भूलें। जैसे कि हर मंदिर में पुजारी जी होते हैं तो हमें उनको भी नमस्कार करना होता है। ये मंदिर जाने के नियम के अंतर्गत आता है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप मंदिर में जब भी जाएं तो थोड़ी देर विश्राम करें। विश्राम इन द सेंस कि आप वहां पर बैठे समय बिताएं। देखिए, पहले आप देख लीजिए जितने भी हमारी प्राचीन मंदिर हैं वहां पर बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ाने का रिवाज नहीं है। मंदिर जो बनाया जाता है उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि वास्तु शास्त्र हो गया और भी चीजें, जो वहाँ के गुंबज होते हैं, जो वहाँ के पिलर होते हैं, मतलब हर चीजों का एक अपना एक खास महत्व होता है। जैसे कि अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो आपने सुना होगा कि किन किन बातों का ध्यान रखते हुए मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहां पर जाने से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आपको वहां पर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपके पास समय हो जरूर आप बैठें और वहां की ऊर्जा को आपको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आप मंदिर में बैठ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ देवताओं को निहार सकते हैं। वहां का जो भी चित्र अंकित है, जो भी चीजें जिसमें आपका भाव आता है वह चीजें आप निहारते हुए मंदिर में थोड़ी देर समय जरूर बिताएं। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जिस भी देवी देवता के मंदिर आप गए हैं उनके लिए आप परिक्रमा करें, क्योंकि परिक्रमा करने से चारों तरफ का जो ऑरा होता है, जो उनकी तरंगे होती हैं, वह हमें प्राप्त होती है सकारात्मक ऊर्जा के रूप में, तो इससे भी हमें लाभ होता है। तो आप परिक्रमा करें। अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग परिक्रमा भी निर्धारित की गई है, जिसके बारे में मैंने आपको अलग अलग वीडियो दी है, तो आप जरूर उसका ध्यान रखें। तो इस तरह से आप परिक्रमा करें। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मंदिर में हमें क्या क्या चीजें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको मंदिर में कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं मंदिर के प्रांगण में, समय बिताते हैं, बैठते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे से बुराई भलाई करने लगते हैं, आप किसी की निंदा करने लगते हैं। ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। मंदिर के प्रांगण में बैठकर ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके पुण्य का क्षय होता है और पापों में वृद्धि होती है। इसलिए आप मंदिर में जब भी बैठें तो आप
ईश्वर का मनन चिंतन करें, वहां की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर देखें, महसूस करें, ना कि आप किसी की बुराई करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कभी भी मंदिर में आपको एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि इस तरह से बैठकर जो है वो प्रणाम करते हैं, तो ऐसा आप कदापि ना करें। मंदिर में हमेशा दोनों हाथों को जोड़कर सादर नमस्कार करने का प्रयास करना चाहिए। जब भी आप पुजारी जी को प्रणाम करें तो दोनों हाथों से इस तरह से हाथों को क्रॉस करते हुए प्रणाम करने की विधि बताई गई है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो दी है, तो विस्तार पूर्वक जानकारी लेने के लिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक ही वीडियो में सभी चीजें शामिल करना संभव नहीं हो पाता है, तो आप वह जानकारी लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो प्रसाद, जो भोग आपने देवी देवताओं को लगाया है, उसे आपको मंदिर के लोगों को वितरित जरूर करना चाहिए। जो भी मंदिर में आपको मिले, बच्चे, वृद्ध, जो भी आपको मिलता है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद, ज्यादा नहीं है आपके पास तो थोड़ा ही चीजें आपको जरूर वितरित करना चाहिए। पूरा प्रसाद आपको सीधा अपने घर नहीं लाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कि कई लोगों ने पूछा था कि हमें मंदिर किस दिन जाना चाहिए, तो दोस्तों हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रतिदिन मंदिर जाने के लिए कहा गया है, और ऐसा करने से आपका बहुत सारा जो भी आपके दुख मुसीबत आपके जीवन में आने वाली होती है उनसे छुटकारा प्राप्त होता है। तो इसलिए कोई दिन निर्धारित नहीं है जिस दिन आप जाएं, ईश्वर की पूजा आराधना करने के लिए कभी भी आपको दिन देखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि आप गुरुवार के दिन जाते हैं तो आपका गुरु ग्रह बैलेंस होता है और आपके बहुत सारे ग्रह स्वतः ही जो है जो आपको निगेटिव प्रभाव देने वाले होते हैं वो सकारात्मक में बदल जाते हैं, यानी उनका प्रभाव शुभ हो जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन मंदिर जाना बहुत ही शुभ है। लेकिन उस दिन यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो कभी भी किसी से, आप ब्राह्मणों से, बुजुर्गों से, या फिर आप जो वहाँ के पुजारी जी होते हैं, कोई बात बहस ना करें, नहीं तो उसका दुष्परिणाम आपको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जब भी मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं तो कभी भी देवताओं की तरफ पीठ करके ना बैठें। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे बातों बातों में करते करते उन्हें पता नहीं चलता और मंदिर के सामने ही कभी चेयर में या कभी जमीन पर बैठते हैं और पीठ उनका देवताओं के समक्ष होता है, ऐसा आप कदापि ना करें। और दूसरा, मंदिर के चारों तरफ जो बाग बगीचे होते हैं वहां पर कभी भी आपको थूकना नहीं चाहिए, कभी भी आपको टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, यानी कि आप पेशाब वगैरह बिल्कुल भी ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम तीर्थ स्थलों पे जब जाते हैं तो ये ज्यादा देखने को मिलता है, जब भी तीर्थ स्थल में लोग जाते हैं और वहां पर जो मंदिर के पेड़ पौधे होते हैं वहां पे बैठ के खाते पीते हैं, वहां पे गंदगी करते हैं, वहां पर पेशाब वगैरह कर देते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपका जो भी आपने मंदिर में पूजन अर्चन किया है, जो भी आपने पुण्य का कार्य किया है, वह आपका क्षय हो जाता है, तो इसलिए आप ये सभी कार्य ना करें। और एक बात ध्यान रखें कि आप अपने महीने में या फिर आप वर्ष में एक बारी आप पूरे परिवार की भलाई के लिए एक नारियल देवी माँ के मंदिर में जरूर अर्पित करें। नारियल अष्टमी तिथि को अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है और आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि रहती है, तो इसलिए महीने में एक बार अष्टमी तिथि को आप अपने पूरे परिवार के सिर से एक नारियल वार कर जरूर रख कर आए। लेकिन ध्यान रखें कि उस दिन आपको नारियल तोड़ना नहीं है, आप सिर्फ चुपचाप मंदिर में रखें और प्रणाम करें और चले आए। तो इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आपके पुण्य का क्षय नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। जय माता दी।